पकड़े गए हैं चार आतंकवादी, एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं चार आतंकवादी, आईएसआई के चार आतंकी पकड़े गए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चार आतंकी पकड़े गए हैं अहमदाबाद से, एयरपोर्ट से ये इन्हें पकड़ा गया है और अहमदाबाद से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त, आखिरकार ये आतंकवादी कहां से यहां पर आए, कैसे इनकी जानकारी मिली और कैसे इन्हें पकड़ा गया, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि अहमदाबाद से चार आतंकवादियों को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, चार आतंकी पकड़े गए हैं अहमदाबाद से, इन्हें पकड़ा गया एयरपोर्ट पर, इन चार आतंकियों को पकड़ा गया, लेकिन ये लोग यहां पर कैसे आए, कहां जाने की फिराक में थे और क्या किसी बड़ी साजिश को ये अंजाम देने वाले थे, इसी को लेकर जानकारी भी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल उस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है कि चार आतंकी पकड़े गए हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जो चार आतंकी पकड़े गए हैं उसे लेकर पूरी अपडेट, पूरी जानकारी भी आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि चार आतंकी जो यहां पर पकड़े गए ये कहां से आए थे और क्या किसी साजिश को ये अंजाम देने वाले थे, कोई प्लानिंग इनके मन में चल रही थी, इन सभी चीजों को लेकर जांच की जा रही है और ये बड़ी जानकारी अहमदाबाद से। मौलिक हमारे सहयोगी अहमदाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मौलिक जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर, जो चार आतंकवादी पकड़े गए हैं एयरपोर्ट से। बिल्कुल, जैसे कि अभी फिलहाल जिस प्रकार प्राथमिक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, अहमदाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चार आतंकी जो संदिग्ध माने जा रहे थे उनकी गिरफ्तारी की है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारी करके उनकी ज्यादा पूछताछ जो है अभी फिलहाल शुरू की है। माना जा रहा है कि चारों चार जो शख्स थे वो इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस के साथ संकड़े हुए थे और साथ ही साथ उनके पास जो पासपोर्ट और वगैरह बरामद हुआ है वो उसकी जांच करते ऐसा मालूम पड़ा है कि कहीं ना कहीं वो श्रीलंकन नागरिक थे। आगे की ज्यादा जानकारी के लिए उनके जो मोबाइल और सारे माल सामान जो है उसकी जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो कितने साल से या कितने महीनों से आईएस के साथ जुड़े हुए थे, किस काम के तहत वो गुजरात और अहमदाबाद की विजिट पर आए हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।